आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपके पैसे एटीएम में डिपॉजिट करते समय फंस गए हैं तो आपको क्या करना होगा और यह कितने दिन का समय लगता है आपके पैसे वापस आने में। दोस्तों, होता क्या है, जब भी आप किसी एटीएम में पैसे डिपॉजिट करते हैं कार्ड के माध्यम से, हो सकता है टेक्निकल एरर के कारण या फिर सर्वर डाउन होने के कारण आपके पैसे एटीएम मशीन में फंस जाते हैं और इसके बदले में आपको एक स्लिप निकल के आती है जिसमें ट्रांजेक्शन डिटेल लिखी होती है। अब मैं आपको बताऊंगा, यदि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है तो आप कौन सी स्टेप को फॉलो करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो भी आपको स्लिप एटीएम से मिलती है उसकी आप 2 फोटोकॉपी करा दें। फोटोकॉपी कराना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि यह जो इंक रहती है जो स्लिप की, वह थर्मल इंक रहती है, वह 3-4 दिन बाद उड़ जाती है। तो सबसे पहले आपको उस स्लिप की फोटोकॉपी करा लें या फिर अपने मोबाइल में उसका फ़ोटो ले लें। इसके बाद दोस्तों, आपके एटीएम के आसपास में जो भी ब्रांच हो, जिस बैंक का एटीएम हो उसी बैंक की ब्रांच जो भी एटीएम के पास हो उसमें आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। कॉन्टैक्ट करने के बाद दोस्तों, सबसे पहले आपको एक आवेदन लिखना होगा। आवेदन आपको ब्रांच मैनेजर के नाम पर लिखना होता है। इसमें आप विषय में लिख सकते हैं कि मेरा ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया है और मेरे पैसे एटीएम मशीन में फंस गए हैं। इसके बाद दोस्तों, आप अपना नाम लिख दीजिए, आप अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए कि मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पर है, मेरा नाम यह है, और आप बता दीजिए कि मेरे ट्रांजैक्शन करते समय मेरे पैसे फंस गए हैं और ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया है। दोस्तों, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको बड़े कैपिटल लेटर में लिखना होगा ट्रांजेक्शन ID, ATM कार्ड नंबर, एप्लीकेशन की थी उस पर रिसीविंग जरूर ले लें। दोस्तों, अब बताता हूँ आपको यह कितने दिन का टाइम लगता है यह सब क्लियर होने में या फिर यह आपका मैटर रिजॉल्व होने में। दोस्तों, 7 से 10 दिन में आपका यह मैटर क्लोज हो जाएगा, लेकिन मैंने देखा है कि यूजुअली 2 से 3 दिन के अंदर ही आपका मैटर क्लोज हो जाता है और आपके पैसे आपके खाते में आ जाते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात बताना भूल गया हूँ, जिस आपके पैसे दोस्तों उसी ATM के खाते में आएंगे जिससे आप ट्रांजेक्शन कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको बकायदा अपना अकाउंट नंबर दे दें जो कि उसी ATM कार्ड का हो और अपना मोबाइल नंबर लिख दें, जिससे यदि आप बैंक आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे वह कॉन्टेक्ट कर ले। इसके बाद दोस्तों, बताता हूँ आपको आगे क्या होता है। इसके बाद दोस्तों, बैंक प्राइवेट कंपनी जो ATM का काम देखती है उनसे कॉन्टेक्ट करती है और वहाँ पर काउंटिंग होती है डेली या 1-2 दिन के बेसिस पर ATM में पैसों की। दोस्तों, काउंटिंग के बाद जो भी पैसा निकलता है उसको आपके ट्रांजैक्शन डिटेल से मैच कर लिया जाता है और आपको यह पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। आपको 7 से 10 दिन के अंदर यह ट्रांजैक्शन हो जाएगा। आप बैंक से रिसीविंग ज़रूर ले लें, दूसरी एप्लीकेशन पर उनसे साइन करवा लें और रिसीविंग दूसरे एप्लीकेशन पर साइन ज़रूर करवा लें जिससे कि आपके पास भी प्रूफ हो। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो भी काम करना है वह बैंक करेगी और आपके पैसे 7 से 10 दिन के अंदर आपके खाते में पहुंचा दिए जाएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर करें।